है दोस्तों, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर के मीटर के कनेक्शन। तो ये सिंगल फेज सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है बाई डायरेक्शनल मीटर, जिसे नेट मीटर भी बोलते हैं, और ये है हमारा जनरेशन मीटर। ये बेसिकली हमारे सिस्टम ने कितना जनरेशन किया ये काउंट करता है, और ये इम्पोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया, ये काउंट करता है। तो देखो, इसके कनेक्शन सबसे पहले तो बता दूँ मैं, ये जो वायर आ रहा है हमारा, ये पाइप से ये आ रहा है वायर, ये तो ये गया है जनरेशन मीटर के इनपुट से, जो सोलर इन्वर्टर का आउटपुट है जनरेशन मीटर के इनपुट पे। उसके बाद अब इसका जो इनपुट है, यहाँ पे इनपुट ये लग रहा है, यहाँ पर जो ग्रिड से कनेक्शन आ रहा है, ग्रिड से इसके इनपुट पे, और इसका आउटपुट ये वाला देखिए, ये आउटपुट, ये और ये आउटपुट दोनों का कॉमन है, और ये दोनों के किसी एक पॉइंट से एक आउटपुट जाएगा जो घर का कनेक्शन जा रहा है उसको। तो ये थे कनेक्शंस। अब हम देखेंगे रीडिंग्स एक के बाद एक। तो ये तो देखिए, ये डेट बता रहा है, ये टाइम है, और ये टोटल जनरेशन बता रहा है, जनरेशन ये, ठीक है, ये इतना जनरेशन है। उसके बाद ये नेट मीटर में देखिए, ये बता रहा है एक्सपोर्ट कितना हुआ अब तक टोटल, 877। फिर ये एक्सपोर्ट एमडी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम इंपोर्ट कितना हुआ, तो ये तकरीबन 2.75 यूनिट था, और किस डेट पे हुआ, ये डेट मैक्सिमम एक्सपोर्ट किस डेट पे हुआ, इस डेट पे, और कौन से टाइम पे हुआ, तो ये एमडी यहाँ पर लिख के आ रहा है, वो आपको बताएगा किस टाइम पे हुआ। उसके बाद ये इम्पोर्ट, टोटल इम्पोर्ट है ये, ठीक है। इसके बाद में बताएगा इम्पोर्ट एमडी, मतलब मैक्सिमम इम्पोर्ट कितना किया, वेट अ सेकेंड, ये देखिए इम्पोर्ट एमडी, मतलब मैक्सिमम इम्पोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हुआ। अब इसके बाद आएगा डेट, हाँ, इस डेट पे मैक्सिमम इम्पोर्ट हुआ, और इस डेट में भी कौन से टाइम पे हुआ, ये देखिए, ये 7 बजे के आसपास हुआ है मैक्सिमम इम्पोर्ट। तो यही रीडिंग हमारे काम की है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है।